नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे नए वीडियो के अंदर। और काफ़ी दिनों से मेरे दिमाग के अंदर एक टॉपिक बार बार चल रहा था, बट मैं सोच रहा था यार मैं किसी को लेके कुछ बोलता नहीं हूँ, तो फिर मैं बोलूँगा और ये अपनी नेचर भी नहीं किसी को हेट देना, तो फिर मैं नहीं बनाऊँ। लेकिन मुझे आप लोगों के सामने आना पड़ा और मैं उस टॉपिक के साथ में आप लोगों के साथ में आ चुका हूँ। तो सभी बड़ों को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम, सभी को नमस्कार। आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोग जानते होंगे कि आजकल क्या है कि काफ़ी सारे लोग है ना कंटेंट क्रिएशन के अंदर घुस चुके हैं, तो क्या है कि डिजिटल वर्ल्ड हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इन्फ्लुएंसर्स वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इन्फ्लुएंसर से तात्पर्य ये है, मतलब ये है कि इन्फ्लुएंसर कौन होते हैं, सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। इन्फ्लुएंसर का मतलब हो गया जी कोई इन्फ्लुएंस जो करते हैं, और ये इन्फ्लुएंसर के अंदर आपके टिकटॉकर, इंस्टाग्रामर, यूट्यूबर सब आ गए। टिकटॉक तो चलिए बैन हो गया है, लेकिन कोई भी चीज़ जो डिजिटल कंटेंट बना रहे हैं लोग, पब्लिक फिगर, धीरे 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 आप क्या क्या है पब्लिक का प्यार मिलता है, जो पब्लिक के प्यार से खड़े हो जाते हैं, बढ़ते हैं और फिर उसके बाद में सक्सेसफुल हो जाते हैं, वही इन्फ्लुएंसर्स हैं। लेकिन इन्फ्लुएंसर मेनली बनते किस लिए हैं कि जी गुड इन्फ्लुएंस कर पाए। ज़्यादातर लोग इन्फ्लुएंसर जो बोला जाता है, इन्फ्लुएंसर इज़ अ पॉजिटिव वर्ड कि जी गुड इन्फ्लुएंस करेगा, अच्छी चीज़ें दिखाएगा कुछ ना कुछ, जिससे कि कोई बैड इम्पैक्ट नहीं पड़े सोसाइटी पर। लेकिन आप लोग जानते हैं पुराने समय से चलता हुआ आ रहा है और ये कहावत भी है कि जी कुछ बुरा दिखाएंगे, कुछ भी दिखाएंगे तो ज़्यादा चलेगा, व्यूज़ ज़्यादा बटोरेंगे, ज़्यादा पैसे कमाएंगे। और जो गुड इन्फ्लुएंस है ना, कुछ अच्छी चीज़ें, वो बहुत कम लोग दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर व्यूज़ कम आएंगे और दूसरा उसके ऊपर लोग इतना फोकस करते भी नहीं है। तो इसलिए क्या है कि इसी टॉपिक के ऊपर मैं आता हूँ। NCR के अंदर और दिल्ली के आसपास के जो एरिया के अंदर, मेनली मैंने मेजॉरिटी में यही एरिया इसलिए पकड़ा, ऐसा नहीं खाली यहीं पर हरकतें हो रही हैं, ऑल ओवर इंडिया ये हरकतें बहुत ज़्यादा चल रही हैं काफ़ी सालों से, मेरे जो समझ में है अभी एक आध साल से आने लगी है, क्योंकि मैं कुछ लोगों को जानता भी था डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली किसी के थ्रू। तो जो हरकतें वगैरह ये लोग कर रहे हैं ना, देखिए जैसे है ना आजकल लोग पैसा बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं इससे, और बहुत ही अच्छी बात है यार, क्योंकि भारतवर्ष के अंदर, हमारे देश के अंदर, जो भारत देश में ये लोग है ना इकोनॉमी को योगदान दे रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है यार। दिल को खुशी होती है कि डिजिटली सबके सब ग्रो हो रहे हैं और आज लोगों के पास में ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं। लेकिन ये ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं ना, तो गुड इन्फ्लुएंस तो कर नहीं रहे हैं, बैड इन्फ्लुएंस ऐसे कर रहे हैं कि जी गाड़ी खरीदते हैं बार बार। गाड़ी खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी क्यों खरीदते हैं? क्यों? क्योंकि ट्रैवल करते करते कंटेंट खत्म हो गया, या फिर मान लीजिए अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या कंटेंट बनाए, तो जी गाड़ी खरीदिए तो गाड़ी का बना देंगे कुछ दिन वीडियो। अब कुछ दिन गाड़ी का कैसे बनेगा, कभी PPF लगा दिया गाड़ी के ऊपर कोटिंग का, कभी टायर चेंज करा दिए, कभी कोई मॉडिफिकेशन करा दी, चलो जी कोई दिक्कत नहीं, अपने अपने शौक होते हैं, बहुत अच्छी बात है। मेरे को नहीं है, दूसरा किसी को हो सकता है, मेरे घर में किसी और को, तो कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, मैं किसी पर कोई है ना टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन मेन चीज़ ये, सारी चीज़ें आप कराएं, लेकिन जो गलत हरकतें हैं ना, वो जो आप कर रहे हैं ना, उससे हमारे को फ़र्क पड़ रहा है, और उससे जो आपके प्यार करने वाले चाहते लोग हैं ना, उनको भी फ़र्क पड़ रहा है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप सामने देखिए, ये जो मैं स्क्रीनशॉट्स वगैरह अटैच कर रहा हूँ, कोई बोल रहा है हाँ जी मैं सब्सक्राइब कर दूंगा, वो कोई बोल रहा है हाँ जी मैं अनसब्सक्राइब कर दूंगा, कोई बोल रहा है कि यार अनसब्सक्राइब के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, ऐसा ही कंटेंट आता रहा। तो किसी का लिखना है कि हाँ जी भैया छपरी कंटेंट आता जा रहा है, कोई बोल रहा है कि पुलिस के कानून के क्या नियम नहीं है क्या ऐसे, ये सारे लोग किस बात पे बोल रहे हैं, वो मैं आप लोगों से बात करने आया हूँ कि लोग जो हैं ये व्लॉग के अंदर बार बार, ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये लोगों से, पब्लिक से पूछते हैं, क्या बोलती पब्लिक, ड्रैग रेस करें, कोई ऐसे पूछता है, कोई कैसे पूछता है। ड्रैग रेस ऐसी होती है कि भैया इसके साथ ड्रैग रेस करें, उसके साथ दूसरे इन्फ्लुएंसर के साथ, किसी के पास दूसरी बढ़िया गाड़ी है, तो ये लोग क्या एक दूसरे से रेस लगाएंगे। और गाड़ी घोड़े जो आजकल आ रहे हैं ना यार, बढ़िया एकदम, उसके अंदर पावर इतनी ज़्यादा ताकत दे रहे हैं ना, लेकिन कोई भी इन्फ्लुएंसर वगैरह या कोई भी इंस्टाग्रामर, यूट्यूबर ये नहीं सोचता कि ताकत दे रहे हैं तो वो आपके मेन सड़कों पे चलाने के लिए नहीं दे रहे, कॉलोनी की सड़कों पे चलाने के लिए दे रहे, लेकिन इसको इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपकी DLF गोल्फ कोर्स रोड हो गई, फिर उसके बाद में जो आपकी कॉलोनी की सड़कें वगैरह हो गई। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन अगर आप लोग सर्च करके देखेंगे, या हो सकता है कि आप लोगों भी है ना ऐसे कहीं ना कहीं कंटेंट के गोथ्रू हुए हों, कि ये लोग कॉलोनी के अंदर तक चला देते हैं। अब इससे हमारे ऊपर क्या असर पड़ रहा है, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ NCRB की रिपोर्ट की। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि NCRB की रिपोर्ट के हिसाब से, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से, 2022 के अंदर 1.5 लाख से ज़्यादा एक्सीडेंट की वजह से डेथ हुई है। और ये जो डेथ्स हुई है ना, इनका मेजर रीज़न क्या है, बिल्कुल सही समझा आप लोगों ने, ओवर स्पीडिंग। दिल्ली जो है वो मेन सिटी है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स की वजह से डेथ हुई है, अगर सिटी की बात की जाए। स्टेट की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश, UP, लेकिन हम लोग दिल्ली और NCR के आसपास की बात कर रहे हैं। तो अब बात ऐसी आती है कि यार ये लोग जब भी ड्रैग रेस वगैरह लगाते हैं ना, ट्रैक पे लगाओ यार, आप लोगों को लगानी है तो आप लोग यार 200-250 की स्पीड ऐसे करके धुएं की तरह आपकी जो गाड़ी पकड़ रही है, वो आप मेन रोडों पे पकड़वा रहे हो, या कॉलोनी के अंदर आप एक दूसरे से रेस लगा रहे हो। कई बार आप मीटअप करने जाते हो एक दूसरे शहरों के अंदर, फिर वहाँ दूसरे बच्चों को बुला लिया जिनके और भी पास में अच्छी गाड़ियाँ हैं,
अच्छी बात है जी, अपनी गाड़ी की नुमाइशें वगैरह कर रहे हो, लेकिन यार कॉलोनी में रेस तो मत लगाओ। कहीं कोई बच्चा चल रहा है कोने पे साइकिल पे, वो डर जाता है बेचारा, भयभीत हो जाता है। कहीं ऑफिस से आता हुआ आदमी जो बाइक पे जा रहा है मेन रोडों पे दिल्ली की, है ना, एकदम से गाड़ी उड़ा दे तो जरा सी स्पेस मिलती है 200-300 मीटर की, लेकिन वो स्पेस कोई खुद के थोड़ी मिलती है आपको। थोड़ी सी रोड का रूम मिल रहा है और आगे गाड़ियां आपको साफ चलती हुई दिख रही है। दिल्ली जैसे भीड़ भक्कड़ वाले शहर में, जो कि कैपिटल सिटी है इंडिया का, उसके अंदर एकदम से आप गाड़ी को उड़ा देते हो, अपने थ्रॉटल पे पैर रखते हो और थम करके आपकी गाड़ी उड़ती है, फिर एकदम से आप ब्रेक मार देते हो। क्यों? क्योंकि आप सोचते हो कि यार आपकी गाड़ी को तो क्या होना है, और दूसरा आपकी गाड़ी तुरंत रुक जाएगी। आप कभी नहीं सोचते कि आपके परकच्चे उड़ सकते हैं जी, आप अपनी है ना हथेली पे जान लेके घूम रहे हैं, लेकिन लोगों की क्यों है ना मतलब जान के साथ खेल रहे हो यार। कोई बाइक पे चल रहा है बंदा, वो इतना ज्यादा भौचक्का रह जाता है, स्तब्ध हो जाता है वो कि यार क्या हो गया, एकदम से पास से हवा निकलती है उसके तेजी से। कभी कभी हो सकता है कि कोई बंदा यार मन का कमजोर हो, दिल का कमजोर हो, या कोई थकावा हो, तो यार उसकी बाइक लड़खड़ा गई या गाड़ी लड़खड़ा गई किसी की। कोई है ना नॉर्मल गाड़ी लेके चल रहा है, कोई मीडियोकर इंसान है, या कोई अच्छी गाड़ी भी लेके चल रहा है पर आराम से चल रहा है, तो यार वो बहुत चक्का होकर के थोड़ा सा डगमगा जाती है, उसकी गाड़ी हो बाइक हो कुछ भी हो। आपको क्या फर्क पड़ रहा है यार, कुछ भी नहीं, जब तक आपके खुद के कुछ नहीं होगा। आप लोग यार खुद की परवाह कर लीजिए यार। मुझे समझ नहीं आता कि आप लोगों के माँ बाप भी ये कंटेंट देखते हैं, सब देखते हैं, फिर भी फर्क नहीं पड़ता। मैं तो यार आप लोगों से डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, मेरे जो व्यूअर्स हैं, कुछ भी लोग जो इस ब्लॉग को देखेंगे कि भैया मतलब इस वीडियो को देखेंगे, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ कि भैया आप लोग प्लीज़ अवेयर हो जाइए। हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से, हाथ जोड़ के विनती है, किसी को हेट देने नहीं आया, लेकिन अवेयर नहीं होंगे ना यार तो क्या है कि ये लोग ऐसे ही कंटेंट डालते रहेंगे। पहली बात तो इनके कंटेंट पे नीचे जा जा के कमेंट है ना करना बंद कीजिए यार, क्योंकि आप बार बार आके कमेंट कर रहे हैं ना। आप लोग प्यार करते थे इन लोगों से, आज ये लोग छपरी बन गए, या कुछ लोग शुरुआत से छपरी थे, तो यार आज भी आप लोग प्यार ही दे रहे हैं उन्हें उनका कंटेंट देख करके, आज भी आप सपोर्ट कर रहे हैं उस चीज़ को, जिससे कि क्या है उनका और कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है कि ठीक है लोग आज भी वही लोग आ रहे हैं हमारे पास में। प्लीज़ सबसे पहले तो ये बंद करें, फिर उसके बाद में ये देखें कि आपके बच्चे किस किस तरीके से है ना इन्फ्लुएंस हो रहे हैं इन चीज़ों से। आप लोग समझ भी नहीं पा रहे होंगे या सोच भी नहीं पा रहे होंगे, अपने काम धंधे में इतने बिजी होंगे कि आपके बच्चे है ना कहाँ किस कैसे इन चीज़ों को है ना ग्रास्प कर रहे हैं। कोई बच्चा साइकिल चला रहा है मान लीजिए, अब उसके कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वो पास से गाड़ी तेजी से चलते हुए देखता है, छोटा बच्चा है, एड्रेनलिन रश जो बोलते हैं जिसको, उसके अंदर भी दौड़ रहा है, धीरे धीरे जवानी आ रही है। वो भी सोचता है कि घर में जब वो कोई गाड़ी चलाना चालू करेगा, 8वीं 9वीं में 10वीं में आएगा, थोड़ी थोड़ी सीखेगा, उसको भी वो भगाए, चाहे वो गाड़ी छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसको वो अपने है ना स्थिति के हिसाब से, परिस्थिति जैसी भी घर की उसके हिसाब से उसको भगाएगा दौड़ाएगा। गलत तरीके से तो बच्चा सीख रहा है, ठीक है। प्लस उस बच्चे के आसपास से कोई गाड़ी घोड़ी निकलता है, कभी कभी वो डर जाता है, उसके ऊपर है ना एक बैड इफेक्ट आता है, मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है किसी की भी। दूसरा क्या है कि वो व्लॉग किस तरीके का देख रहे हैं, क्या चीज़ देख रहे हैं, वो आप नहीं भी अगर रोक टोक सकते ना तो आप कम से कम खुद को तो रोक लीजिए पहले, क्योंकि बहुत सारे बड़े बुजुर्ग और बहुत सारे लोग ही ऐसी चीज़ों को सपोर्ट कर रहे हैं, अरे भाई क्या बात है आप भी ड्रैग रेस करो, या फिर नीचे आके जो कमेंट कर रहे हैं कि यार आप छपरी बन गए, बार बार आके वही सेम लोग जो है ना वही कमेंट कर रहे हैं, बार बार व्लॉग देख रहे हैं, किस उम्मीद में कि ये बदल जाएंगे जी। ये जब तक बदलेंगे ना उतनी देर में हज़ार और खड़े हो जाते हैं यार, 2-4 दिन के अंदर अंदर सब इनको देख देख के इन्फ्लुएंस हो के। प्लीज़ प्लीज़ यार अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, खुद पे ध्यान दीजिए, प्लीज़ ऐसा मत करिए यार। क्यों? क्योंकि आप लोग जो हैं पता ही नहीं चल रहा है कि क्या कंटेंट कंज्यूम हो रहा है, बच्चे क्या कंज्यूम कर रहे हैं, किस सोसाइटी को हम डेवलप कर रहे हैं। और यार ये लोग किसी की भी जान ले सकते हैं, इनकी खुद की भी जान चली जाएगी, किसी को कोई परवाह होगी नहीं यार। क्यों? क्योंकि एक जान जाने से हमारे भारत के अंदर रिश्तों की कितनी ज़्यादा अहमियत है आप लोग सब समझते हैं। मैं तो आप लोगों का छोटा हूँ, मेरे को छोटा भाई बेटा या कोई अपना बड़ा भाई समझ करके अगर बच्चे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी बात को मानो यार। एक बार हमारे को है ना जोश जोश में दिखता है टॉरबाजी ये सब है, लेकिन जिस दिन हमारा समय ख़राब आता है ना यार उस दिन सब अलट पलट हो जाता है। अब यार समय ख़राब आप बोलेंगे जब आएगा तब तो सब कुछ कुछ भी हो सकता है, लेकिन नहीं यार, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। प्लीज़ अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन है ना ज़रूरी लगी हो तो इस व्लॉग को इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने परिचित जो भी परिजन हैं उनको इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि क्या है वो भी अवेयर हो जाएं और उनकी भी आंखें खुल जाएं कि वो जो कर रहे हैं या फिर जो उनके आसपास हो रहा है क्या हो रहा है, जिससे कि ये लोग थोड़ा सा थम पाएँ। अगर हम लोग सबके सब साथ में मिल करके कुछ भी एक्शन लेते हैं तो, या फिर इनका कंटेंट कंज्यूम करना बंद करते हैं तो। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ों का हमेशा सम्मान करें।